प्रकाश का विवर्तन है ना। तो विवर्तन में देखो होता क्या है, प्रकाश तरंगे विवर्तन ध्वनि तरंगों में भी होता है और प्रकाश तरंगे दोनों में होता है। ठीक। अब ध्वनि तरंगों के लिए विवर्तन का कोई नियम नहीं चलता है। ठीक। कि आप मान लो इस कमरे में बैठे हो और अभी उधर उस कमरे में कोई व्यक्ति हो तो आप बोलो, आराम से वो सुन सकता है ना, बस अर्थात कमरा खुला हो। लेकिन क्या देख सकते हो उसको? नहीं देख सकते, है ना। जैसे कि एग्जांपल बढ़िया सा है, देखो एक ये दीवार है और एक मान लो इधर कोई है, लड़का है, ये इधर कोई एक लड़की है, दीवार ऊपर खुली है, क्या ये लड़का इससे बातें कर सकता है? बातें कर सकता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगों के लिए ये थोड़ी ना मायने रख रहा है, तरंगे जा करके यहाँ तक पहुँच रही हैं। क्या ये देख सकता है? नहीं देख सकता। अच्छा, अब तो देख ही सकता है। क्या ये संतुष्ट हो जाएगा? इतना बड़ा और हो, क्या ये संतुष्ट होगा? संतुष्टि आदमी आखिरी तक नहीं मिले थे इसको। क्या देख रहा है लेकिन अभी भी इसका मन भरा नहीं है। ठीक। मन कब भरेगा? पास आना नहीं है, जब तक ये अवरोध खत्म ना हो जाए। अपनी फीलिंग ना दिखाओ इसमें। ठीक। इतना समझाया गया है। ठीक। सब जीरो से गुणा कर दिया है। चलो अच्छा। एक मास्टर साहब थे, वो हिंदी पढ़ाते थे, तो एक मंच लगा था बढ़िया। तो मंच लगा था तो उस मंच पर सबको लेक्चर देना था, तुम्हारे कहानी सुनाई देने। तो हुआ कि जब हिंदी वाले का नंबर आया तो गए, बढ़िया हिंदी में लेक्चर दे के आ गए। इंग्लिश वाला बैठा था, उसका नंबर आया, वो गया भैया इंग्लिश में लेक्चर दिया। अब दोनों लोग मन ही मन बहुत खुश, अभी तो मैथ वाले का नंबर आएगा, ये कहे हम लेक्चर देंगे। और मैथ वाले जानते हो कहते खुराफाती दिमाग वाले होते हैं। वो बैठा गया, हम नंबर तो आवे फिर बताएं। जब पहुंचा, माइक पकड़ा, संबोधन जो करना था किया, बोला 3-5 मत करो, 2-4 पढ़ेंगे, 9-2-11 हो जाओगे। तो गणित वालों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक। चलो चल। तो इसके लिए रूल क्या है कि अवरोध जो होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के कोटि का होना चाहिए। ठीक। जो भी हम यहाँ पर अवरोध लेंगे वो कैसा होना चाहिए? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होगा, तभी ध्वनि तरंगों का विवर्तन हो पाएगा। भाई शुरुआत वाला जो चैप्टर हमने शुरू में पढ़ा था, पहले चैप्टर से लेकर के जहाँ पर ऑप्टिक्स शुरू हुई थी, तो वहाँ से लेकर के प्रकाशिक यंत्र तक प्रकाश को ना तो हम कण दिखाते थे और ना ही हम तरंग दिखाते थे। ठीक। लेकिन आगे चल करके दो प्रकार की थ्योरी चली कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति पाई जाती है, मतलब प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। और शुरुआत में क्या हो रहा था, जैसे अगर एक दर्पण लिया हमने और ये सामने एक वस्तु रखी है, तो किरण चली ऐसे और टकराई और कहीं ऐसे निकल गई, तो वहाँ पर ना तो कण दिखाया गया ना ही तरंग दिखाया गया। हम लोग किरणें खींच रहे थे। क्यों खींच रहे थे? क्योंकि ये जो कहानी शुरू में चल रही थी ये अलग थी प्रकाश की। इसको हम कहते हैं ज्यामिति प्रकाश कहा जाता है। और ज्यामिति प्रकाश जो होता है वो इन दोनों सिद्धांतों पर नहीं होता है। ठीक। क्योंकि इसमें जो ये इंस्ट्रूमेंट तुम ले रहे हो, भाई शीशे के आगे बैठे हो, तो शीशा का कुछ साइज है भाई, पूरा अपना प्रतिबिंब बनाना देखना है, अपना पूरा चित्र देखना है, अपना मान लो पूरा प्रतिबिंब उसमें देख लेना है, तो अपने आकार का दर्पण कितना होगा? आधा। मतलब चाहे जितना बड़ा दर्पण लगा हो, आपके आधे पोर्शन पर ही उसमें आपकी इमेज बनेगी। तो जो भी उपकरण यहाँ लिए जा रहे हैं वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि के नहीं हैं, ये बड़े बड़े हैं भैया, इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं। लेकिन व्यतिकरण विवर्तन जो होता है ये अलग प्रकार के केसेस हैं।
तो पहले तो ये चीज़ अलग चली थी, अब यहाँ पर हम लोग विवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। तो विवर्तन व्यतिकरण थोड़ा सा अंतर है कि व्यतिकरण में क्या होता था, दो स्लिट बनाते थे ना इसे, और यहाँ पर तीसरा पर्दा रखते थे, तरंगे जाकर के ब्राइट डार्क वही स्लिट बना रही थी जाके के। अगर एक स्लिट को हम बंद कर दें मान लो, तो व्यतिकरण न होगा, विवर्तन शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो तरंग कहीं पड़ेगी जा करके, वहाँ ज़्यादा लाइट बनाएगी, उसके बाद धीमी होती जाएगी ऐसे ऐसे, ठीक। मतलब जो अवरोध लिया गया है ये, इसमें जब लाइट निकलेगी तो तरंगें पहली बार तो मुड़ेंगी, और मुड़ करके जहाँ पर सेंट्रल पड़ेगा जा करके, तो वहाँ पर ज़्यादा लाइट होगी, और उसके थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो कम लाइट रहेगी, और आगे बढ़े तो और कम हो गई। मतलब फ्रिंजे वैसी बनेंगी, लेकिन वहाँ पर सब बराबर बराबर मोटाई की फ्रिंजें बन रही थी, यहाँ पर सब बराबर बराबर नहीं बनेंगे, और ना ही सबकी लाइट बराबर रहेगी, ठीक। तो ये सब जो होंगे ये क्या कहलाते हैं, गौड उच्चिष्ट। ये क्या कहलाता है, मुख्य उच्चिष्ट। अलग अलग नामों से यहाँ पर पुकारा जाता है, जैसे वहाँ पर इनको दीप्त बोला जा रहा था और बीच वाले को अदीप्त बोला जा रहा था, वैसे यहाँ पर इनको क्या बोलेंगे, गौड़ उच्चिष्ट कहा जाएगा, और इसको मुख्य उच्चिष्ट, इनको निम्निष्ठ बोला जाएगा, ठीक। खैर चलो, तो ये तो समझ में आ गया कि विवर्तन के लिए इंस्ट्रूमेंट मायने रखेगा, मतलब साधारण जगह पर ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक। तो प्रकाश के कुछ गुण हैं जिनमें केवल ये सब घटनाएँ होंगी, तरंग वाली प्रॉपर्टी, व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, और ध्रुवण हो गया। तीन ऐसे प्रकाश के गुण हैं जिनमें प्रकाश को क्या बताया गया है, तरंग बताया गया है। बाकी इसके अलावा आगे भी ऐसे और भी गुण मिलेंगे, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसमें तरंग सिद्धांत नहीं चलता है। पढ़े होगे ना, फोटॉन गिरते हैं, छोटे छोटे कण गिरते हैं, प्रकाश बंडल पैकेट के रूप में आता है, जिनको फोटॉन कहा जाता है ना, वहाँ कण बताया गया है ना, क्योंकि ये हाइगेन साहब इसमें भी घुसे थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव में भी आए थे, ठीक। और जब आए थे सोचा था कि लाओ इसकी भी व्याख्या कर डालें, ध्रुवण की व्याख्या तो नहीं कर पाए, लेकिन इसमें भी आए। लेकिन जब इसमें आए तो इन्होंने क्या कहा, सिद्ध करके दे दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में पृष्ठ से 0.5 वर्ष लगे इनके अनुसार। कितने वर्ष लगे, तरंग सिद्धांत से जब व्याख्या करी गई प्रकाश विद्युत प्रभाव की, तो किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में कितना समय लगा, 0.5 वर्ष लगे। अब सोचो, अगर तुम आज उनके हिसाब सौर ऊर्जा प्लेट बनती, तुम आज खरीद के लाते, तो 5 साल बाद तुम्हारी बैटरी चार्ज होती। बैटरी कब चार्ज होती है, फायदा था नुकसान था, जबकि होता वास्तव में क्या है, जैसे प्रकाश गिरता है तुरंत काम शुरू हो जाता है। तो ये व्याख्या वगैरह बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं इन पर, ठीक, आगे चल करके बातें होंगी। तो तरंग सिद्धांत जो होता है, इन सब चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाया। चलो, तो व्यतिकरण में विवर्तन में रूल क्या होता है भैया, कि अवरोध जो होगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब प्रकाश किसी अवरोध पर पड़ता है तो उसके किनारों से मुड़ जाता है, जैसे इस पर पड़ा और किनारों से मुड़ गया, तो मुड़ जाने की घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। कि प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध किनारों से आंशिक रूप से मुड़ना, थोड़ा सा मुड़ जाना, क्या कहलाता है, विवर्तन, ठीक। ये तो डेफिनेशन बनी इसकी। ये होता दो टाइप का है, एक होता है फ्रेनल विवर्तन और एक होता है फ्रानहोफर विवर्तन। तो हम लोग फ्रानहोफर विवर्तन पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रानहोफर में लेंसों का उपयोग हो रहा है, वही अपने सिलेबस में चलता है, ठीक। तो उसको हम लोग देखो, एक क्या कर लिए, एक स्लिट मान लिए, बहुत पतली सी स्लिट है ये, पतली सी स्लिट, ठीक। लेकिन इसका जो आकार लिया गया है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तभी ये घटनाएँ होंगी। अब इसके सामने क्या किया, एक मुख्य अक्ष बना डाला हमने, यहाँ पर एक स्रोत मान लिया जो मतलब लाइट उत्पन्न करेगा, और इसके इसके बीच में एक उत्तल लेंस रख दिया गया। और लेंस कहाँ रखेंगे, इस स्रोत के थोड़ा निकट रखा जाएगा, ठीक, निकट रखेंगे। और एक और शर्त है कि ऐसे रखो कि स्रोत फोकस तल में पड़े। फोकस तल समझते हो, जैसे ये उत्तल लेंस है और जब इस पर समांतर किरणें गिरे तो तुमको पता है कहाँ केंद्रित होंगी, फोकस पर, कहाँ केंद्रित होंगी। तो यहाँ से अगर कोई तल प्लेट जैसी चीज़ ऊपर को ऐसे निकाल दी जाए,
तो उसे क्या बोलेंगे? फोकस तल। फोकस से जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाता है? तो इस हिसाब से रखें कि ये फोकस तल में पड़े या फोकस पर पड़े, अब ऐसा कह लीजिए। और क्या करा, एक यहाँ पर लेंस रखा, लेकिन ये वाला लेंस इसके निकट रखा, इस स्लिट के निकट रख दिया। चलो यहाँ पर एक लेंस रख लेते, पतले लेंस रहेंगे, ठीक। और आगे क्या रख दिया? एक पर्दा रखा, ये पर्दा, इस पर घटना देखे कि होगा कैसा। अब हुआ क्या, जब यहाँ से तरंगे चली हैं इससे, तो समान ये क्या करेगा, समांतर कर दे, क्योंकि फोकस से किरण चलेगी तो समांतर हो जाएगी, तो ये समांतर किरण आई यहाँ तक ऐसे। ये तरंगे आकर के इस पर भी गई कुछ, तो वैसे यहाँ से भी दिखा दें थोड़ा चित्र अच्छा लगे दिखने में ऐसे। लेकिन जब इस अवरोध किनारों पर प्रकाश पड़ा तो उसका कुछ पोर्शन मुड़ गया, आंशिक रूप से मुड़ेगा फिर, अगर अवरोध उसके बराबर का है तो तरंगे यहाँ से मुड़ी हैं ऐसे, ठीक। और ये मुड़कर के तरंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं जा करके पड़ी जाके, और पर्दे एक जगह थोड़ी ना पड़ेंगे, पूरे पर्दे पर पड़ी, ठीक। और जब पूरे पर्दे पर पड़ी तो कहीं पर उजाला अंधेला बना, लेकिन यहाँ पर यहाँ ज़्यादा लाइट, फिर आगे घटती, भाई दोनों जहाँ एक साथ काट रहे थे, सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ बना, केंद्रीय उच्चिष्ट, वहाँ पर ज़्यादा लाइट बनी, भाई जो नहीं मुड़ी थी वो यहाँ मिली आकर, ये वाली जो सीधी चली गई हैं इनको ला करके आप ऐसे मिला लीजिए यहाँ से, ये तो सीधे मिल गई, तो यहाँ पर जो लाइट बनी वो सबसे ज़्यादा ऐसे, बहुत ज़्यादा लाइट, फिर जैसे आगे बढ़े कम लाइट, और आगे बढ़े और कम लाइट, ऐसे नीचे भी घटना हुई, ठीक। तो हम कोई एक पॉइंट पर दिखा देते हैं कि हाँ यहाँ पर विवर्तन हुआ, ये पॉइंट है, चित्र यार गड़बड़ हो गया, अरे चलो समझ लेते हैं, है? ये एक पॉइंट है जहाँ पर विवर्तन के प्रतिरूप, कोई एक फिक्स पॉइंट मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे गणना करनी है, बाकी तो समझ गए पूरे पर घटना होगी ये, ठीक। ये जो पॉइंट था इसको बोला ओ से लिख लिया, बोला क्या गया, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट, या एक और नाम दिया गया मुख्य उच्चिष्ट, ठीक। ये क्या था, उत्तल लेंस, इसको एल टू नाम दे दें तो ये दूसरा लेंस हो गया, और ये एल वन मान लेते हैं, और ये क्या हो गया, स्रोत हो गया, इसका नामकरण कर लेते हैं, और इसकी चौड़ाई कुछ मान लेते हैं ई, और ये कैसी झिर रही है, पतली झिर रही है, तो यहाँ पर थोड़ा भाषा लिख दे ताकि हमको याद करने में आसानी हो जाए, ए बी क्या है, संकीर्ण झिर रही। चलिए देखो, अब यहाँ से अगर हम लंब डाल देते हैं, लंब कैसे पड़ेगा, एकदम 90 पर, तो ये 90, इस पॉइंट का नाम चलो लिख लेते हैं पथांतर बी के, रास्ते का अंतर, ये एंगल गत्ता, तो ये भी गत्ता, तो ये भी गत्ता, थीटा मान लेंगे, ठीक। अब देखो एक्सप्लेन कैसे करना है, विवर्तन क्लियर हो गया ना, प्रकाश तरंगों का तीक्ष्ण अवरोध किनारों से आंशिक रूप से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। ये थोड़ा ऊपर ले लेना तो एकदम क्लियर, जैसा ये बना है ना ये वाला, वैसे दिख जाएगा जाकर तरंगे मुड़ते हुए, ठीक। ये ऐसे बहुत सारे बनेंगे इस पर, ठीक है, क्या सब नहीं, एक बनाओगे ना। अब सुने लिखना क्या है, देखो ए बी क्या है, एक पतली सी झिर्री है, संकीर्ण झिर्री, जो कैसे है, ये कागज है, कागज के तल के ऐसे लंबवत लंबवत है, और इसका आकार गत्ता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटिका है, चौड़ाई गत्ती है स्मॉल ई, ऐसे लिखना सब कुछ, ठीक। क्या बोलेंगे, ए बी एक संकीर्ण झिर्री है जिसकी चौड़ाई स्मॉल ई है, कागज के तल के लंबवत है, और इसका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटिका है, इसलिए लिख दिया आराम से आपको समझने में आसानी हो जाए। फिर क्या बोलेंगे, इसके मुख्य अक्ष पर क्या रखा है, एक स्रोत रखा है, ठीक। फिर स्रोत और झिर्री के बीच में एक उत्तल लेंस L1 है, जो कैसे रखा है, झिर्री और इसके बीच में एक उत्तल लेंस L1 रखा गया, ऐसे रखा गया है कि स्रोत कहाँ पड़े, इसके फोकस तल में पड़ जाए, इधर कहानी हो जाएगी। फिर इधर एक दूसरा उत्तल लेंस L2 झिर्री और पर्दे के बीच में रखा है, लेकिन ये झिर्री के निकट रखा है थोड़ा,
और ऐसे रखा है कि पर्दा कहाँ पड़े, इसके फोकस तल में पड़ जाए, मतलब यहाँ किरणें केंद्रित हुआ करके, ठीक इतना समझ गए? सब लोग बोलोगे ना, ए बी क्या है, एक संकीर्ण चिर्री, चौड़ाई कितनी है, इस्माली, कैसे रखी है, कागज के तल के लंबवत है, आकार कैसा है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटिका है, फिर ये क्या है, एक मुख्य अक्ष है, इस पर क्या रखा गया, एक स्रोत रखा गया, ये क्या है, उत्तलन सेलवन, किसके बीच रखा है, स्रोत के बीच हम रखा, कैसे रखा है, ऐसे रखा है कि स्रोत कहाँ पड़े, इसके फोकस तल में पड़ जाए, ठीक। फिर क्या लिखोगे, दूसरा उत्तलेंस L2, किसके किसके बीच में रखा है, पर्दा और झिर्री के बीच में, लेकिन कहाँ रखा है, झिर्री के निकट रखा है, और कैसे रखा है कि पर्दा इसके फोकस तल में पड़ जाए, इत्तिकानी हो जाएगी, सामने लिख दिया, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब सुनो, यहाँ से जब स्रोत से क्या चलते हैं, प्रकाश तरंगे, चलिए यहाँ से निकलेंगे ऐसे बहुत सारी, हम दो को लेकर चल रहे हैं, ठीक। तो L1 पर पड़ी पहले इस लेंस पर, तो ये तो फोकस पर है, तो समांतर हो जाएंगी। तो जब स्रोत से तरंगे चली तो इस पर पड़ी, लेंस L1 से क्या हो गई, अपवर्तित हुई हैं, क्या हुई हैं, और अपवर्तित होने के बाद कहाँ पड़ी हैं, स्लिट पर, झिर्री पर पड़ी, और झिर्री से क्या हो गई, मुड़ गई, देखो मुड़ी, झिर्री पर पड़ी तो क्या हुई, मुड़ी, तो ये हो गई विवर्तित, मुड़ने को क्या बोलेंगे, थोड़ा सा विवर्तित हो गई, और विवर्तित होकर के कहाँ पड़ी हैं, पर्दे के बिंदु पी पर पड़ी हैं, और वहाँ पर क्या बनाती हैं, विवर्तन के प्रतिरूप बना देती हैं, विवर्तन की घटना बना रही हैं, होगी तो सब जगह, लेकिन हम किसी एक पॉइंट की बात कर लेंगे अभी, ठीक। तब बोलोगे ये क्या है, स्रोत, स्रोत से क्या चलेंगे, प्रकाश तरंगे, कहाँ पड़ेंगी, लेंस L1 पर, L1 से क्या हुई, अपवर्तित, फिर कहाँ पड़ी, झिर्री पर पड़ी, झिर्री से क्या हुई है, विवर्तित, विवर्तित हो गए कहाँ पड़ी, पर्दे के बिंदु पी पर, क्या बनाती हैं, विवर्तन के प्रतिरूप बनाती हैं, इतना क्लियर। अब देखो कुछ विवर्तित नहीं हो रही, देखो भाई कहाँ मुड़ी, सीधे आ गई। अब सिद्धांत लगाएंगे किसका, हाइगेंस का, हाइगेंस का सिद्धांत लगा, हाइगेंस ने कहा कि झिर्री पर जितने कण होंगे वो एक जैसा कंपन करेंगे, मतलब कंपन की समान कला में होंगे, तो इनसे जो तरंगे निकली अब वो कहलाएं द्वितीयक तरंगिकाएं, समझ में आ रहा है ना। हाइगेंस ने क्या कहा कि झिर्री पर जितने कण होंगे वो कंपन की समान कला में होंगे, और उनसे जो तरंगे निकलेंगी वो क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी, और जो तरंगे विवर्तित नहीं हुई हैं, देखो सीधे जो आ रही हैं, जो विवर्तित नहीं हुई वो लेंस से अपवर्तित होकर कहाँ पड़ेंगे, पर्दे के बिंदु ओ पर पड़ेंगे, और क्या बनाएंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट बनाएंगे, जिसे हम मुख्य उच्चिष्ट भी कह सकते हैं, ठीक। ये इतनी थ्योरी आपको लिखनी है, समझ गए, एक बार पुनः रिवीजन याद हो जाना अच्छे से। देखो ए बी क्या है, संकीर्ण झिर्री, चौड़ाई कितनी है, स्मॉल ए, कैसे रखी है, कागज के तल के लंबवत रखी है, और आकार कैसा है, तरंग दैर्ध्य की कोटिका है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, इस पर क्या रखा गया, स्रोत रखा गया, अब स्रोत इसके बीच में क्या रखा गया, L1, कैसे रखा गया है कि स्रोत इसके फोकस तल में पड़ जाए, ठीक। फिर क्या बोलेंगे, इधर आ जाओ कहानी, एक कौन सा लेंस है, L2, कहाँ कहाँ रखा गया, झिर्री पर्दे के बीच में, लेकिन कैसे रखा है, थोड़ा निकट, झिर्री के निकट, लेकिन कैसे रखा है, ऐसे रखा है कि पर्दा कहाँ पड़े, इसके फोकस तल में पड़ जाए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से बोलो, स्रोत से क्या चलेंगे, प्रकाश तरंगे, L1 से क्या होंगी, अपवर्तित, झिर्री से क्या होंगी, विवर्तित, पर्दे के बिंदु पी पर पड़ेंगे, क्या बनाएंगे, विवर्तन के प्रतिरूप बनाएंगे, ठीक। फिर हाइगेंस ने क्या कहा, झिर्री पर जितने कण होते हैं वो कंपन की समान कला में होते हैं, इसलिए इनसे जो तरंगें निकलेंगी वो द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी, और जो तरंगिकाएं लेंस से इससे विवर्तित नहीं होंगी वो लेंस से अपवर्तित होकर पर्दे के बिंदु ओ पर पड़ेंगी, और क्या बनाएंगी, जिन्हें हम क्या कहेंगे, मुख्य उच्चिष्ठ कहेंगे, ठीक। इतना सबको क्लियर हुआ। अब ये घटना होगी कैसे, अरे यार ये तो सब को मिटाने वाला कहाँ गया। अब हम क्या करते हैं, पथांतर निकालते हैं, क्या हो जाए, चले कोई दिक्कत नहीं। अब सुने, अब यहाँ पर हम घटना बनाए वो, चलो देखो, ये पहला निम्निष्ट, ये उच्चिष्ट, पहला निम्निष्ट, ऐसे ऐसे घटना होती चली जाएगी, और अगर दोनों स्लिट होती तो
के बराबर बराबर बनते चले जाते हैं। ठीक, ये पहले पढ़ा चुके ना सब चीज़ें। चलिए आइए, तो इसे बोला जाता है केंद्रीय उच्चिष्ठ, और इन्हें क्या बोलेंगे? निम्निष्ठ। निम्निष्ठ, और ये क्या कहलाएंगे? गौड़ उच्चिष्ठ, है ना, गौड़ उच्चिष्ठ के नाम से जाने जाते हैं। और पहले निम्निष्ठ जो बने ये वाले, इनके बीच की जो टोटल दूरी होगी वो कहलाएगी केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई कहलाएगी। कोणीय चौड़ाई पूछी तो क्या बोलोगे? केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों तरफ के पहले निम्निष्ठों के बीच की दूरी कोणीय चौड़ाई कहलाती है। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि पहले पथांतर ज्ञात किया जाए, तो ये वाला कोण ले लो, त्रिभुज ले लो, ये वाला त्रिभुज का नाम क्या है? ये भी दिख रहा है त्रिभुज ए बी के में, अगर हम साइन थीटा ले लें तो लंब हो जाएगा बी के, और कर्ण हो गया ई, तो बी के बराबर कितना आ गया? ई साइन थीटा, समीकरण बना लेंगे, पथांतर मिल गया। जैसे व्यतिकरण में पथांतर निकाले थे, फिर दीप तदीप निकाले थे, वैसे यहाँ पर आ गए। अब पहली चीज हमको क्या निकालना? निम्निष्ठ की पोजीशन निकाल लो, निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए ये पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मतलब हम लिख सकते हैं बी के बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा। ठीक, बी के की वैल्यू यहाँ रख दो, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा, ई हटाओ नीचे ले आओ। थीटा बड़ा बनेगा बहुत छोटा? बहुत छोटा, तो इसको छोड़ सकते हैं ना। तो थीटा इज इक्वल टू, कंडीशन आ गई अपने पास, इधर लिख रहे हैं प्लस माइनस एम लैम्डा बाई ई, और एम की वैल्यू क्या चलेंगी? 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, जीरो से ले लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, अगर ये जीरो रख दो तो मान पूरा जीरो, तो यहाँ आ गए। एक रख दो तो कितना आ गया? 1 लैम्डा बाई ई, और प्लस माइनस का, तो ये जो पोजीशन लिखे हो ये लैम्डा बाई ई प्लस की, तो ये कैसी हो जाएगी? माइनस लैम्डा बाई ई। दो ही रख दो तो अगला ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ई, तो इधर हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा बाई ई। ये पोजीशन आती चलेगी निम्निष्ठ की। गौड़ उच्चिष्ठ बना लेते हैं, चलो हिंदी सब्जेक्ट बहुत कठिन, गौड़ उच्चिष्ठ क्या होंगे? सबसे चमकीला कौन है? केंद्रीय उच्चिष्ठ, लाइट ज्यादा है ना, और ये कम चमकीले हैं, तो केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों तरफ जो कम चमकीले उच्चिष्ठ बने हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? गौड़ उच्चिष्ठ कहा जाता है। और इनके लिए रूल है कि पथांतर होना चाहिए, पथांतर कितना है सीधे इसे लिख लिया जाए, ई साइन थीटा, ये होना चाहिए लैम्डा का विषम गुणज। विषम गुणज में प्लस माइनस दोनों ले लो, कोई ले लो, चलो माइनस ले लेते हैं, एम माइनस 1/2 लैम्डा, लेकिन प्लस माइनस के साथ। थीटा बड़ा छोटा, तो थीटा इज इक्वल टू बन गया प्लस माइनस एम माइनस 1/2 लैम्डा बाई ई, ये कंडीशन आई इसमें। अब अगर ये वैल्यू यहाँ एक रखी, एम के मान कितने कितने चलेंगे भैया? 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। ठीक, और प्लस लेते तो जीरो शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर एक रखो यहाँ पर तो ये 1/2 ही बची, तो लैम्डा 2 नहीं समझ आया, अरे एक रखो इस जगह पर, इतना एलसीएम ले लो तो लैम्डा 2 आया। तो ये जो पहला मान का दिख रहा है यू, तो ये कितना हो जाए? लैम्डा 2 तो यहाँ हो जाए माइनस का लैम्डा 2 समझ पाए? दो रख दें तो 3 लैम्डा 2 तो अगला जो ऊपर बनेगा वो ये पोर्शन का क्या बनेगा? 3 लैम्डा 2 तो नीचे हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा 2 ये सब आ जाएंगे। अब कोणीय चौड़ाई क्या होगी, इधर लिख लिया जाए, कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई देखो यही तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इधर कितना लैम्डा बाई, इधर कितना प्लस लो, दूरी ले रहे हो ना, चिन्ह छोड़ो सीधे परिमाण लो, लैम्डा बाई ई और लैम्डा बाई, तो कितना आ जाएगा? तो थीटा आ जाएगा 2 लैम्डा बाई ई, तीनों फॉर्म हो गए।
में पाई का संग गुणज होता है, इसमें हाँ विषम गुणज, इसमें विषम गुणज हो जाएगा क्या? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाँ सब चलेंगे इसमें, ठीक। जीरो अगर प्लस ले लो तो जीरो ले लेना, मतलब यम प्लस एक बटा दो कर लो तो ठीक। वो तो हमारे सवाल का डाटा बताएगा कैसे क्या करना होता है। अब तो तैयार हो जाएगा ना ये? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। चलो इसको तैयार कर लेना, तो मजा आएगा चाय में। क्या कर पहले चाय को मोटिवेट, चाय हमको मोटिवेट करे। चलिए अगला देखो क्वेश्चन भैया, ये वाला हो गया था ना गॉस के प्रमेय बेलन वाला। अगला क्वेश्चन पे आओ, आंख की समझ सेट नंबर ये कौन सा है? 2022 का चौथा सेट है ना, यही तो चल रहा था ना अभी। केवल ये जितने काम के क्वेश्चन वो देख लीजिए, फिर बाद में तो विधिवत हल ही कराना है ना। इसमें कहा है, इधर बात नहीं भैया काम करो, आंख की समंजन क्षमता से क्या समझते हो? तो आंख को सिकोड़कर प्रतिबिंब को समायोजित करने की क्षमता, आंख की समंजन क्षमता। फिर कहा दूरदृष्टिदोष है, अपने दृष्टिदोष में एक ट्रिक बताई थी, अगर निकट दृष्टिदोष नाम आया सवाल में, ठीक, तो जैसे सवाल पढ़ोगे पहली संख्या मिलेगी वी बराबर माइनस का लो, और सेकंड संख्या अगर दी है तो यू बराबर माइनस का लो, और नहीं है तो यू बराबर अनंत ले लो, फार्मूला एक बटा या बराबर एक बटा बी माइनस, सवाल लग जाएगा निकट दृष्टिदोष का। अगर दूरदृष्टिदोष पर सवाल है तो जैसे पढ़ा हमने पहली संख्या मिली v बराबर माइनस का लो, दूसरी संख्या अगर दी है, ठीक, दूसरी संख्या तो u बराबर माइनस का लो, और अगर नहीं है हाँ तो u बराबर माइनस का 25 लो, ठीक। सवाल पढ़ते हैं, अब अपने आप से बता दो, दूरदृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर दूरी पर है, हाँ तो क्या करें? वी पहली संख्या मिल गई वी बराबर माइनस 150 सेंटीमीटर, फिर दूसरी संख्या कह रहा यदि 25 सेंटीमीटर दूर रखी किताब को पढ़ना चाह रहा, दूसरी संख्या कितनी हो गई 25, क्या ये आप निकाल सकते हैं? एक बटा यह बराबर एक बटा वी, वी कितना है 150, और माइनस माइनस प्लस एक बटा 25, तो एलसीएम कितना बना 150, तो ऊपर बना एक 25 छः बार ना, तो कम करा 5, तो यह बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। तो पूछा गया था फोकस दूरी कितनी, हाँ कितनी फोकस दूरी और क्षमता का लेंस लगाना पड़ेगा, चश्मा पहनना पड़ेगा, तो यह मिल गया। पी निकालने के लिए क्या करा जाए, 100/30 कर दें डायोप्टर, ठीक। अगर निकट दृष्टिदोष सवाल में नाम आ रहा है, सवाल पढ़ा पहली संख्या मिली वी बराबर माइनस ले लिया, दूसरी संख्या दी है तो लेंगे, नहीं है वैसे दी होती बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर होता ही नहीं है, तो दूसरी संख्या कितनी ले लेना अनंत, फार्मूला लगा के सवाल लगा डालेंगे। अगर दूरदृष्टिदोष सवाल में नाम आ गया, पहले लिखा होता तकलीफ आँख की पहले लिखी होगी और आँखों से तुरंत दिख जाएगी, तो जैसे हमने पढ़ा क्या कहा था देखो, दूरदृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर दूरी पर, पहली संख्या 150, फिर कहा कि अगर यह 25 सेंटीमीटर दूरी पर, दूसरी संख्या 25, 25 से यही देता है। पूछा क्या गया था फोकस दूरी और क्षमता बताओ, लग जाएगा ये, चले फटाक से काम करिए इसको, ये पूरा गैंग रहा है तुम्हारा सबका गैंग है तो का हमारा नहीं गैंग है, तुम्हारे लोग हम गुंडा गुंडा भाई लोग हैं तो हमारे गुंडा भाई लोग हैं। चलो अच्छा इधर आगा, अगला क्वेश्चन कहा कि आइंस्टीन के समीकरण प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये, ठीक, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स बराबर एच न्यू माइनस डब्लू वाला, ठीक। फिर अगला देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, दोनों का अनुपात, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहाँ आँख है, फिर बता, तो समझ में नहीं आता है
कहा, क्वेश्चन ने कहा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या समझते हो, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण दोनों का अनुपात आवर्धन क्षमता। ठीक हो गया। अब इस पर देखो एक सवाल है, तो जब सवाल आएगा तो रफली डायग्राम बन जाना चाहिए तुरंत, जितना बोलेगा उतना। कहा क्या है कहाँ गया, अरे है हाँ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता हो तब, तो फार्मूला लिख देना, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो फार्मूला क्या चलता है, वीवो बटा यूवो फिर डी अपान एफ ई, यही तो होता है। तो लंबाई क्या हो जाती है, वीवो प्लस एफ ई, और जब अंतिम प्रतिबिंब 25 पर बनता है तब क्या फार्मूला होता है, वीवो बटा यूवो ब्रैकेट में 1 प्लस बड़ा तो नीचे डी अपान एफ ई, ठीक नीचे, ठीक। तो लंबाई क्या हो जाएगी, वीवो प्लस यू ई चलती है, ठीक। ये दो फार्मूले चलते हैं, इन्हीं से सवाल इनके लगने होते हैं। अब सवाल पढ़ते हैं, इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका पहले लेंस छोटा होता है बाद में लेंस बड़ा होता है तो इसमें कहा है नेत्रिका लेंस जो है इसका फोकस किससे लिखोगे, या फिर से 6.25 सेंटीमीटर है, और अभिदृश्यक का फोकस ये छोटा होगा तो यह से कितना दिया है 2 सेंटीमीटर बोल दिया हमने, तुरंत उसको बना दिया। अब इसने कहा कि दोनों लेंसों के बीच का गैप 15 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंसों के बीच का गैप मतलब है इसकी लंबाई, और लंबाई अपने पास देखो 2 लिखी है, तो हम वीवो प्लस एफ ई बराबर 15 करें कि वीवो प्लस यू ई बराबर 15 करें, तो ये आगे सवाल आगे जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा, तो तैयार है बैठे हो फिर कहा जब अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी भी क्या होगी, अभिदृश्यक से वस्तु जो रखे हो उसकी दूरी क्या बनेगी, मतलब यूओ गायब है, कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने मतलब इस वाली कंडीशन से सवाल लगेगा, इनको हम हटा रहे हैं, ठीक। तो क्या होती कंडीशन, जब वस्तु यहाँ होती है तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है, ये दूरी वीवो होती है और ये दूरी यूओ, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ गया अनंत, तो ये दूरी क्या कहलाती भैया एफ ई, तब एफ ई हो जाएगी, तो हमारे हिसाब से क्या बोला 15, तो यहाँ अनंत पर बनेगा तो यू ई एफ ई के बराबर हो जाता है, तो एल की जगह पर कितना कर दिया जाए 15 बराबर वीवो और प्लस एफ ई, एफ ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ रख के उधर ले जाओ, चलो लिख लेते हैं 6.25, तो वीवो की वैल्यू कितनी, इसको भेजो उधर कटाओ कितना आया 8.75 सेंटीमीटर वीवो मिल गया अब हमसे पूछा गया यूओ बताओ, यूओ अगर निकालना है तो इस लेंस का देखो फोकस पता है, एक फार्मूला लिखते हैं, चलो यहाँ से इस लेंस का फोकस मालूम है, इस लेंस की वस्तु मालूम है निकालना है, इस लेंस के प्रतिबिंब की दूरी मालूम है, मालूम है, तो अगर ये वाला यहाँ रख दें और ये एफ ओ दिया यहाँ रख दें तो यूओ मिल जाएगा, तो सबको ओ से लिख लिया, ये कितना दिया है 2, वीवो की वैल्यू कितनी है इधर है तो प्लस की 8.75, माइनस कितना यूओ, तो यूओ इधर ले आओ, इधर कितने बन गए 100/875 माइनस का 1/2, सही है ना, काम सही हुआ टुकट जी ना 25×4 और 25×3 75 कितने बचे, सही ना, तो 1/UO बराबर आ जाएगा 4/35 माइनस 1/2, 35×2=70, तो इधर गए 8 बने इधर आ गए 35, तो UO की वैल्यू आ गई 70/ कम करो इसको 27 है ना 27 माइनस का, यही उत्तर है ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन इस बार नए तरीके से पूछा है, एक बार पूछा था आवर्धन को लेकर के, आ भैया आओ 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 पूछते हैं, अरे ये हो जाएगा ना, एक देखो संधारित्र का एक क्वेश्चन है, 4 का ख खंड है, इसमें एक चित्र बनाया गया है, चित्र थोड़ा अलग तरीके का है लेकिन है वो व्हीटस्टोन ब्रिज,
अभी आप कंडीशन से देख के जान जाएंगे। 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पर भी 4 लगा है, एक इधर लगा दिया है, और यहाँ पर भी 4 माइक्रोफेरेड। इसको कहा ए और इसको कहा बी, इसको कहा सी और इसको कह दिया डी, बीच में लगा है 5 माइक्रोफेरेड। एक बैटरी लगाई गई, कह रहा ए और बी के बीच में बैटरी लगी है, तो बैटरी कहाँ लगी है? ए और बी के बीच में, कितने वोल्ट की? तार बड़ा हुए टेढ़ा मेढ़ा करके कैसे जोड़ देना है तुमको उसके बीच में। तो कहा है बताइए कि प्रत्येक संधारित्र तुल्य धारिता बताओ और प्रत्येक संधारित्र में आवेश बताओ। इस सर्किट का अगर डिजाइन सही कर लो, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं है भाई? दो विकर्ण बने, एक विकर्ण में क्या लगा है देखो, विक्षेप मापी, और एक विकर्ण में क्या लगी है? बैटरी। संतुलित है असंतुलित है भाई? तिरछे गुणा 4 चौके 16, 4 चौके 16 बराबर आ रहा है ना। ये वाला तार छोड़ देंगे तो ये दोनों श्रेणी हो गए, और श्रेणी क्रम में धारिता क्या बनी? 4 × 4 4 4 8, काट दिया 2, 2 ही तो आया। तो यहाँ पर चित्र देखो कितना बचा, 2 माइक्रोफेरेड, तो ये भी तो 2 बनेंगे, तो ये तय हो गए। अब थोड़ा ऐसे लगा लो, थोड़ा अच्छा लगे, 15 वोल्ट है ना, ये भी कितना? 2, तो ये दोनों समांतर हो गए, तो तुल्य धारिता कितनी बन गई? 4 माइक्रो, C1 + C2 कर दिया, ठीक। अब देखो कुल आवेश निकाल लो, कुल आवेश कितना हो जाएगा? सी वी, बैटरी कितनी है? 15, और ये कितना? 4, तो 15 × 4 माइक्रो कूलाम, मतलब 60 माइक्रो कूलाम आवेश यहाँ से चला बैटरी से, ठीक। दोनों बराबर है, बराबर तो लगे हैं, तो बराबर बराबर बांट दो। 30 किस में गया? माइक्रो कूलाम इसमें, और 30 गया इसमें, 30 इसमें चलाएगा, 30 इसमें चलाएगा, 30 30 60 बराबर है, कुछ सोचने नहीं, नहीं समझे? 5 में, 3 नंबर में। अरे ऐसे आइडिया लगा ले भैया, 10 लीटर पानी आ रहा है, बराबर मोटाई के 2 पाइप लगे हैं, तो बराबर बराबर तो जाएगा, तो बराबर बांट दो। और इधर 5 माइक्रोफेरेड में आवेश कितना? 0, बाकी सब में कितने कितने हैं? 30 30 हो जाएगा। अगला अब यहाँ से, हाँ एक और सवाल देख इधर, अरे कुछ और देख लो ना, दूसरे का घा खंड देखिए, एक एक नंबर में कह रहा 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश समांतर किरण पुंज, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी का है? 6000 है ना एंगस्ट्रॉम, 6 × 10⁻⁷ लिख लें इसको। फिर कह रहा ये प्रकाश कहाँ गिराया गया है? 3 × 10⁻⁶ मीटर चौड़े रेखा छिद्र पर लंबवत गिराया गया है, तो यह झिर्री की चौड़ाई हो गई, झिर्री की चौड़ाई कितनी कहा है? इतनी। तो कहा विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई कितनी होती है भैया? 2 थीटा, 2 थीटा ना, और थीटा कितना होता है? लैम्डा बाई ई, तो 2 लैम्डा की वैल्यू 6 × 10⁻⁷, और ये कितने बने? 3 × 10⁻⁶, 3 × 2 = 6 कितने बने? 4, ऊपर ले आओ तो माइनस एक ना, तो 0.4 किस में? रेडियन में, कोण है ना, तो रेडियन में हो जाएगा, ठीक। क्या जैसे ये समझ गए थे, कहा था तरंग दैर्ध्य इतना प्रकाश इतने चौड़े रेखा छिद्र पर सिंगल स्लिट पर गिराया गया, तो सिंगल स्लिट का मतलब झिर्री, झिर्री की चौड़ाई। तो क्या बताइए केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई कितनी बनी, मतलब बीच का गैप हो जो क्या ऐसे बनता है करो, उसके बीच की टोटल दूरी कितनी? तो 2 थीटा, इधर थीटा इधर थीटा, तो टोटल कितने बने? तो 2 थीटा, और थीटा होता कितना उसमें? लैम्डा बटा ई, तो लैम्डा बटा ई रख दिया इसकी जगह, तो ये बन गया लैम्डा ई का मान रख के काट दो, कोण है तो मात्र रेडियन। छोटे बच्चे जैसे हरकत है। अभी बता रहे हैं तुमको, एक प्रोटॉन एक अल्फा कण समान वेग से गतिमान है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी, कौन कौन गतिमान है? प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब 1H1 और अल्फा कण का मतलब 2He4, दोनों कहा गया कि समान वेग से गतिमान है। तो अगर इसकी चाल V1 मान लें तो
तो सवाल में कहा वी वन बराबर वी टू, तो तरंग देर इसके कितने माने लेमडा वन और इसके, तो हटा बेटा वी वन बराबर वी टू पहले बोल दिया है कहा है, तो इसके लिए तरंग दैर्ध्य क्या लिखोगे, एच अपान एम वी, वेग बराबर है, इसके लिए क्या लिखोगे एच अपान एम टू वी, दोनों को भाग कर दो तो लैम्डा वन बाई लैम्डा, तो ये वी और एच कट जाएंगे, तो जब लैम्डा वन ऊपर है तो यम वन कहाँ होगा, तो यम टू कहाँ गया। अब जरा द्रव्यमान की तुलना करा लो, इसका द्रव्यमान किससे लिखोगे, वन से लिखे हो, इसका द्रव्यमान किससे लिखे हो टू से, यहाँ कत्ता लिखा है, यहाँ कत्ता है, तो प्रोटॉन को अगर हम चार से गुणा करें तो बराबर हुआ, तो इसको कितने से गुणा कराएं, तो यम टू बराबर फोर यम वन, ये क्या है, हाँ सही है, प्रोटॉन को द्रव्यमान बराबर करना है हमको, तरंग देर में रेशियो लाना है, तो कणों का जब नाम आएगा तो संख्या रूप में लाना होगा ना, ये दिया नहीं जाएगा, अपने आप से बनाना है तुमको। तो हमेशा अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का चार गुना, आवेश कितने गुना हुई दो गुना, ये बातें ध्यान रखनी अपने आप से, ठीक। तो यम टू बराबर कितना बन गया टू यम वन, तो यहाँ लिख दो टू यम वन बाई यम वन, तो ये कट गए, तो लैम्डा वन बाई लैम्डा टू कितने हो गए, अच्छा चार, हाँ हाँ चार है, देखो ये देखो, तो प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य इसकी कितने बन जाएगी चार गुनी, यहीं लिखे इधर देखो फोर यम वन बराबर एम टू, यहाँ से विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए, हो जाएगा ना ये, और फिर कह रहा द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए P बराबर क्यू इंटू टू एल, एक एक नंबर वाले हो जाएंगे आपसे। अगले सेट में आओ, सेट नंबर, अरे अभी नोट करते रहना यार, तीसरा है ना, तीसरा सेट 2022, सबसे लास्ट क्वेश्चन आठ नंबर, संपर्क में रखे गए दो, अरे मतलब क्वेश्चन नंबर आठ, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए फोकस दूरी का निगमन कीजिए, डेरिवेशन का निगमन कीजिए, तो हो जाएगा। अब कहा कि पांच डायोप्टर और माइनस दो डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, एक है भैया पांच डायोप्टर और एक है माइनस दो डायोप्टर, तो ये उत्तल है और ये अवतल है, दोनों को संपर्क में रख दीजिए, ठीक, ये शक्तियाँ दे रखी इनकी। फिर कहा कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अरे यार कोई क्या है? फोकस दूरी पूछा है ना, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, टोटल पी निकाल ले पहले, तीन डायोप्टर, तो बेवकूफ़ बना दिया यार, या बराबर सौ बटा पी, बस वही का सेंटीमीटर, हाँ क्वेश्चन नंबर आठ। लेकिन इससे पहले भी यह कहा है कि संपर्क में रखे गए दो पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो डेरिवेशन करना है। और सुने, ये जब भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है संपर्क में रखे गए लेंस वाला, ज़्यादा नंबर में अगर है तो 250 ग्राम सवाल जरूर लगा होगा साथ में, ठीक है, हाँ पाँच नंबर में तो नीचे थोड़ा 250 ग्राम सवाल जरूर लगा देगा उसमें, और होगा ऐसे चुकराने टाइप के रहा, ठीक। द्रव्य तरंगे क्या हैं, डी ब्रोगली तरंगे, और द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए, लैम्डा बराबर एच अपान पी, ये लिखना है। फिर का सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य फोटॉन की तरंग दैर्ध्य के बराबर, एक मिनट सुन लीजिए इधर इधर भैया, सवाल में कहा गया सिद्ध करो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य फोटॉन की तरंग दैर्ध्य के बराबर है, ये क्वेश्चन तीन जगह है 2022 में। तो विकिरण के लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश मान लें और फोटॉन के लिए लैम्डा मान लें, तो विकिरण की तरंग दैर्ध्य होगी गति लैम्डा डैश बराबर एच अपान पी डी ब्रोगली के अनुसार, और पी अगर हम लिखें फोटॉन का तो यह होता है एच बाई लैम्डा फोटॉन का संवेग, और ये उठा के अगर यहाँ रख दिया जाए क्योंकि ये बराबर होंगे हमेशा, तो लैम्डा डैश बराबर क्या मिल गया एच अपान पी, और पी की वैल्यू ये किसके लिए है फोटॉन के लिए, ये किसके लिए इसके लिए, तो वैल्यू रख दीजिए तो एच बाई लैम्डा ये कट गए, तो लैम्डा डैश बराबर ये खाली बेवकूफ़ बनाया गया, ठीक। बाकी अब व्हीट स्टोन ब्रिज है इतना बनाओ पहले। पांचवा क्वेश्चन देखो,
एक से एक नमूने हैं भैया और चलो इधर बस एक तार यहाँ लगा, ये कहा गया 10 ओम, इधर इधर 10 ओम है, 5 ओम है, ये यक्ष ओम है, और कह रहा है यक्ष का अज्ञात प्रतिरोध यहाँ लगाया गया, कह रहा है इसका मान बताइए, अगर ये 52 सेंटीमीटर पर विक्षेप प्राप्त हुआ है, विक्षेप मापी कितने टच कराया गया, 52 पर लगाया गया, तो अविक्षेप 52 सेंटीमीटर पर है, तार की लंबाई कितनी होती है भैया, 100, तो बचा कितना, 48। ये दोनों समांतर क्रम कितने बने, 10 × 5 और 10 + 5, 5 × 3 = 15, 10/3, तो यहाँ पर 10/3 है, तरीका ये गुड़े ये बराबर ये गुड़े ये, तो ये वाले कितने 10/3, गुड़े कितने बने 52 बराबर यक्स गुड़े 48, ये नहीं 5 × 2 = 7 नहीं कटेगा यार, युकट जी ये वाला हैं 2 से कट जाएगा ना, 4 से कितने बार लगा, 13 बार, इधर 12 बार है ना, चलो 12, अरे अब इकट्ठा कर लो यार, 12 गए ऊपर गुड़े में, 13 × 12 × 10/3 ओम, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हाँ हमको पता है, हाँ और का नहीं, इधर भैया इधर सुने, ए जैसे तुमको पता है कंडीशन क्या होती है इसकी, P/Q गलत है, ये गुड़े ये गलत कहाँ है, x की वैल्यू चाहिए ना, तो 12 × 12 जाएगा और 3, हाँ इधर सुने सुने, ये बटे में जाएगा ना, तो 10 × 13/3, चलो इधर जैसा पेपर पूछा जाए तो तुम ऐसे लिखोगे 100 − L, ठीक, हाँ ये समझ, ये निकाल लेना, लिख देना दोनों समांतर क्रम है, तो कितना बन जाएगा 10/3, इसको लिखना 52, 100 − 52, ये हम तुमको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि हाँ हमको पता है कि लगाने का तरीका, ठीक, उसको विधिवत लिखना तुमको है, समय का अभाव है ना। अरे यार ये हटा दिए, चलो लगा लोगे ना, ये सबसे लग जाएगा, अगला देखो, हाँ चलो अच्छा देखो इधर, चौथे का खाखंड, इसमें एक चित्र बना है और यहाँ वाला संधारित्र गायब है और यहाँ पर एक संधारित्र लगा है, इसको ला करके इसको कहा बी और इसको कहा ए है, ये धारिता सी है, 4 μF है, 2 μF है, 2 μF और 2 μF, इसमें कहा है कि ए और बी के बीच में मान दे दिया, जो तुम मान टोटल निकालते थे इनके बीच का, वो कहा है 2 μF, तो बताओ इसका मान क्या होगा, तो यहाँ से जैसे आवेश आएगा तो यहाँ बट गया, मतलब यू और यू समांतर जाएंगे, लेकिन अभी साथ नहीं ले जाना है, पहले सिंगल सिंगल करो, यू आवेश हुआ तो यहाँ बट गया, ये दोनों समांतर क्रम, तो समांतर क्रम 4 हो जाएंगे ना, मतलब ये वाला 2 इसी में ले आओ, तो ये कत्ता बन गया 4, ये कत्ता दिया है 4, ये कत्ता है और ये कत्ता है सी, ये दोनों श्रेणी, तो 4 × 4 = 8, 2 बचेगा ना, कत्ता बचा, ये हो गया 2 और ये भी कत्ता और ये कत्ता, ये दोनों यहाँ कम फिर समांतर, अब पकड़ तार सीधा कर लो इसे, भाषा पर जरा ध्यान दो, ठीक है, हाँ
चार माइक्रोफेरेड और यस सी, ये दोनों कैसे बने? श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में अगर लगे होंगे तो तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होता है? सी टोटल बराबर सी वन गुड़े सी टू। सी टोटल कितना है? दो। सी वन हो गया सी और सी टू कितने हैं? चार। सी प्लस कितने बन गए? चार। ये दो कट गए, इधर ले आओ तो सी प्लस चार बराबर टू सी, ठीक। ये इधर ले आओ तो सी बराबर कितना गया? चार माइक्रोफेरेड, ठीक। लगाइए तीसरे का तीसरा, ठीक। कह रहा परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 10.7 एंगस्ट्रॉम के त्रिज्या पर, 0.7 एंगस्ट्रॉम है तो इसको मीटर बना लिया जाए, 10^-10 मीटर। इतने मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, कितनी चाल से? 6.6 × 10^4 मीटर पर सेकंड से चक्कर मार रहा है, तो इसके समतुल्य धारा कितनी होगी? एक बात ध्यान रखना, ये सवाल तुमको कई जगह मिलेगा, मैग्नेट में मिलेगा, तो मैग्नेट में कहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र बताओ कितना बनाएगा, तो बी बराबर μ0/2 I/R लगाना, लेकिन आई की जरूरत पड़ेगी, तो जैसे यहाँ आई निकाल रहे हो वैसे वहाँ आई निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक। और यही सवाल तुमको कहाँ मिलेगा? फिजिक्स सेकंड में परमाणु चैप्टर में मिलेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या पूछा है? धारा बताइए। तो आई बराबर Q/T, क्यू बराबर यानी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और समय कितना बना? तो भैया जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगाएगा? आवर्तकाल। तो समय बराबर कंडीशन लगा लेना दूरी बटा चाल, दूरी चला परिधि और चाल कितनी हो गई? तो यहाँ पर लिख दो 2πr, v चला गया गुड़े में, मान रख लो यहाँ पर लाके। अब n मत कितना है? एक। e का मान 1.6×10^-19, चाल कितनी है? 6.6×10^4। 2π का मान 22/7, क्योंकि संख्या देख के रखेंगे मान, और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 0.7×10^-10। तो ये हटा दिया जाए, 7 कट गया, हाँ 22 है देखो भैया, और 22 से काट दो, तीन बार पढ़ा लगा, तो 16 × 3 = 48, 4.8/2 घात इकट्ठा कर लो, ये 10 गए ऊपर, 14 − 5 है ना एम्पियर, 2 से काट सकते हो ना, हाँ ठीक। अगला देखो, दूसरे का चाखंड, एक नंबर का है लेकिन सवाल मतलब भर का है। एक मकान में कह रहा 200 वोल्ट मेंस पर, वोल्टेज कितना कहा है? 200 वोल्ट। इस पर कह रहा है कि 60 वाट के पावर कितनी दे रखी है? 60 वाट। 200 बल्ब, कितने बल्ब हैं? 200 बल्ब, बल्ब की संख्या है 200, 60 वाट के 200 बल्ब 200 वोल्ट पर जलाए जा रहे हैं, तो कह जलाए कितनी देर जा रहे हैं? 24 घंटा जलाए जा रहे हैं, ठीक है, 24 घंटा, ये बस सेकंड नहीं करेंगे, बिजली खर्चा निकालना है ना। फिर कह रहा है बताइए विद्युत ऊर्जा कितनी बनी जा करके, कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तो यूनिट निकालने का फार्मूला क्या होता है भैया? वाट गुड़े घंटा गुड़े दिन बटा 1000। तो नहीं दिया तो सीधे सबकी गुणा करा लीजिए, बटा 1000 कर दो, 200 × 60 यो का है, फार्मूला क्या होता है यूनिट का? वाट गुड़े घंटा गुड़े दिन बटा 1000। तो वाट दे रखा कितना? 60 है। घंटा कितने जलाए गए? 24। दिन कितने? एक दिन की बात हो रही है, बटा कितने? लेकिन संख्या कितनी है ये नहीं रख देंगे अब, ठीक। जब धारा दी होगी तब इसकी जरूरत पड़ेगी, तो पी नहीं देगा, ये गलत कराने के लिए दिया है। अरे ये 200 वोल्ट दिया है यार, कंडीशन दो चलेंगी, वाट गुड़े घंटा गुड़े पावर गुड़े टाइम गुड़े दिन बटा 1000, और जब आई दे देगा तो पावर मत रखना तो वी से काम चलाना, पी बराबर क्या बन जाएगा? वी आई, तो वोल्टेज और करंट बाकी सब चलेगा। 1, 2, 1, 2, 1, 2 48 और गुड़े कितने बन गए? 6, ठीक है, तो इतने बन जाएगा, इतने यूनिट बनेगा, ठीक। नोट करिए, एकदम तुरंत लेते हैं, तुम्हारे हाथ पर बहुत चलत है भैया। ये वाला सवाल देखो रिपीटेड है,
अभी आखिरी सेट में सवाल लगाए थे तुम, 2 वोल्ट की बैटरी है, एक प्रतिरोध लगा है, और फिर यहाँ 1 वोल्ट की बैटरी है और एक प्रतिरोध लगा है, 1 ओम, 1 ओम, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, और बीच में एक और प्रतिरोध लगा है 2 ओम का। क्या आप इसमें सभी ब्रांच में करंट निकाल सकते हो? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हो जाएगा ना ये? यहाँ x मान लेंगे और इधर 0 मान लेंगे, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, और इसमें I3 कर लेंगे, ठीक। अब I1 बराबर 2 - x/1, I2 बराबर 1 - x/1, और I3 बराबर x - 0/2, आने वाली बराबर जाने वाली। मान रख देंगे x मिल जाएगा, मान रख देंगे यहाँ करंट के आंसर आ जाएंगे, ठीक। ये सवाल सबसे हो जाएगा ना, किसी को नोट करना हाँ इस। अरे ये टाइप सवाल तो बदबू आवक चाहिए यार, कितने सवाल लगा चुके हैं इस टाइप के ने। हाँ है सवाल इस टाइप के। अगला अच्छा सवाल पूछा गया, देखो इधर, बहुत वर्ष बाद रिपीट हुआ, वाई मान लेते हैं। चलिए 7th का अथवा में एक क्वेश्चन पूछा गया, एक समतल उत्तल लेंस है, ध्यान सुनिए सही से, समतल उत्तल लेंस है, एक साइड समतल है, दूसरी कैसी है? उत्तल है। अब इसमें कहा है कि इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो व्यास 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, कौन सा व्यास है, ये भी तो आइडिया लगावा जाए। हाँ द्वारक है ये, ठीक है। समतल उत्तल लेंस का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। वो नहीं कंप्लीट गोला होता तो समझते हैं चीज भाई, लेंस होता कैसा, ये ऐसे होगा ना पूरा। अब इसको काट दिया जाए तो ये तो वृत्ताकार भाग रहेगा, अगर नया आइडिया लग रहा तो ऐसे समझो, ये लेंस हो गया, ये साइड कैसी है, ये पोर्शन जो है ये तो सर्कुलर है, ये बना सर्कुलर, इसका व्यास 6 है, ये पूरा 6 सेंटीमीटर, ठीक। अभी बाद में हम डिजाइन बनाते हैं इधर, ऐसे समझो। और इसकी मोटाई 3 मिलीमीटर है, मोटाई कितनी है, मतलब ये पोर्शन, ये इतनी मोटाई 3 मिलीमीटर, तो इस मोटाई को कितना मान ले, x मान ले, अरे x मान ले, तो x बराबर 3 मिलीमीटर को मीटर बना ले, 10^-3, और अगर इसको हम 10^2 से गुणा कर दे तो कितने में बन गया, सेंटीमीटर, तो 0.3, हटाओ इसको सेंटीमीटर में रखो, ये सेंटीमीटर में 0.3 सेंटीमीटर। अच्छा ये पोर्शन पूरा करता है 6, तो इसका आधा करता, तो ये इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान लें, ये त्रिज्या स्मॉल आर मान लें, कितनी बन जाएगी, 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब आगे क्या कहा है, इस लेंस की फोकस दूरी बताओ, अच्छा सवाल है। फिर क्या कहा है, अगर लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल दे रखी, इसके अंदर चाल दे दी है, चाल कितनी दे रखी है, 2×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है फोकस दूरी बताओ, फोकस दूरी अगर आपको निकालनी पड़े तो 1/f = (n-1) (1/r1 - 1/r2) आप ये करेंगे। समतल उत्तल लेंस अगर है तो पहला जो R1 होगा वो अनंत ले लेना होगा, R2 जो होगा वो -r लेंगे। ना तो आपको R पता है, ना तो सवाल में n पता है, इस डाटा से सब कुछ निकालना है, ठीक। तो n निकालने के लिए देखो हिंट दे दी है भाई, इस माध्यम में चाल दे दी है, तो हमको ये पता है कि n बराबर होता है c/v, वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में, वायु में चाल कितनी हो जाएगी और माध्यम में कितनी दे रखी है, तो एक काम तो अपना बन गया, कितना आ गया, 3/2, n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n मिल गया। अब r का पता लगाया जाए तभी तो सवाल लगेगा। चलो ये हटाएं इधर से, इसको देखो इधर समझते हैं, अलग उठा लो इधर, ये है समतल उत्तल लेंस, सीधा है, एक का हटाओ यार, इधर लिख रहे हैं n बराबर 3/2, एक बार हम काम है नहीं चल रहा। अच्छा ये वाली मोटाई कितनी है, x, इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूं इसे तो गोला बनेगा, ये बन गया सेंटर, तो सेंटर से यहाँ तक की टोटल दूरी क्या बन जाएगी, कैपिटल R, त्रिज्या बनेगी, और अगर इसको हम यहाँ मिला दें तो ये भी तो त्रिज्या हो जाएगी, बन जाएगी।
इतनी दूरी कितनी बनी बताओ भाई, ये वाला यक्स है और पूरा कत्ता है, तो यू कत्ता बचा आर माइनस एक्स। इस त्रिभुज को अलग निकाल लो थोड़ा जूम करके, है ना, ऐसे यू कैपिटल आर है और ये वाला कत्ता स्मॉल आर है, यही तो माना था ये व्यास हो, और ये कत्ता बन जाएगा आर माइनस एक्स हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम इस आर को निकाल सकते हैं, समझ पा रहे हो? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, आर का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर माइनस का टू आर आर, इतना लिख सकते हैं। ये दोनों जोड़ लिए जाएं तो टू आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर खत्म, आर माइनस एक्स होगा, वही तो गड़बड़ हो रहा है। चलो अच्छा फिर से लो, जल्दी काम शैतान होता है ना, आर स्क्वायर प्लस कत्ता बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का टू आर एक्स हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ तक सही है ना। चलिए अब बचे कत्ते, उधर बना जीरो, ये भाई साहब इधर ले आओ, ये आर स्क्वायर इतना बचा केवल। अब ये बताइए इन दोनों जो कि जरा कंपेरिजन करके देखो, एक्स का मान किस में कितना है 0.3 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू कितनी है 3, मतलब हम देख के डाटा कह सकते हैं आर जो है एक्स से ज़्यादा है ज़्यादा। तो अगर हम आर का स्क्वायर कर दे तो 9 बन जाएगा इसका, और इसका अगर स्क्वायर कर दे तो 0.09 आ जाएगा, मतलब और छोटा। तो ऐसी वैल्यू को कितना कर दिया जाए, अप्रॉक्सीमेट 0 कर सकते हैं कम मानों को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि r ज़्यादा है x से, इसलिए x स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेट कितना कर दिया, तो इसको 0 करो तो कितना आ गया 2rx बराबर r स्क्वायर, तो बड़ा R बराबर r स्क्वायर बाई 2r। यहाँ तक सब लोग समझ पाए, इस एक्स होगा ना, हाँ एक्स। अब वैल्यू रख ले इसमें, बड़ा R निकाल लिया जाए, इस R की वैल्यू कितनी है 3 3 3 दो बार, और X की वैल्यू कितनी है 0.3, दशमलव हटा लिया जाए 1 3 कटा लो 15 जाएगा, 15 बन गया। तो बड़ा R भी मिल गया, N भी मिल गया, अब सवाल लगा लो कैसे, यही मार दिया जाए, जगह है। एन की वैल्यू कितनी 3/2 माइनस 1, इसकी जगह रखिए आर वन कितना लेना होता है अनंत, तो और आर टू माइनस का आर, तो माइनस माइनस प्लस आर, आर कितना है 15 हो गया। ये हल कर दो इतने को, वो इधर बना 1/2 1/15 एलसीएम लो 15 दूनी, तो ये बराबर 30 सेंटीमीटर, 1/30 तो ये बराबर 30। ये समझ पाए सब लोग? अच्छा सवाल है ना, पसीना छुड़ाने वाले सवाल पूछे गए हैं।